एट लास्ट जितने भी नेशनल पार्क्स की जो मेरी जर्नी है इस सीजन की वो शुरू हो गई है और मैं शुरू कर रहा हूँ इस बार सरिस्का से। उसी को ट्रैक कर रहे हैं एंड चांसेस आर मोस्ट प्रोबेबली कि हमको देखने को मिलेगी। तारुड़ी की तरफ गई है ST9 तो उसी तरफ गाड़ी घुमा रहे ब्लॉक। और धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी 4 बजे हैं और सब सो रहे हैं, गीतू भी सो रही है। अभी मैं जा रहा हूँ सरिस्का, ठीक है, तो गाड़ी में बैठता हूँ और फिर सारी चीज़ें आपको बताता हूँ। गाइस 4:04 हो गए, एक्साइटमेंट से पता लग रहा है आप लोगों को कि बहुत ही 5-6 महीनों के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और घर से सिर्फ सरिस्का की जो दूरी है वो कोई नियर अबाउट 1.5 घंटा या 1.25 घंटे की है। तो सरिस्का जा रहा हूँ अभी 4 बजे, 6:30 बजे सफारी शुरू होती है, सो मोस्ट प्रोबेबली टाइम तक पहुँच जाएंगे। और मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ राहुल है, वो आपको दिखाएगा, वो रिकॉर्ड कर रहा है। इस बार कैमरा वर्क सारा वही हैंडल करने वाला है, तो राहुल को मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, हाय हेलो कर दो भाई। सो गाइस, ये हमने तीसरा पेट्रोल पंप चेक किया बट यहाँ भी हमें निराशा ही हाथ लगी, कोई तेल वेल नहीं मिला, सब सो रहे। तो जब भी आप कभी अगर सरिस्का नेशनल पार्क आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी की टंकी पहले ही फुल करा के आओ। मैं रात को कराना भूल गया था तो उस चक्कर में अभी तेल है बट मेरे को आज थोड़ा उधर पे ज़्यादा घूमना है तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि फुल करा लूँ। और यहाँ से जो सरिस्का नेशनल पार्क का डिस्टेंस है वो कोई नियर अबाउट 10 से 12 किलोमीटर रह गया है और कीपिंग फिंगर क्रॉस टाइगर मिले। आज टाइगर देखना अनिवार्य है क्योंकि ये मेरी पहली सफारी है, क्योंकि पिछली बार जब मैंने अपनी सीजन का ओपनर डाला था तो राणा लेपर्ड दिखा था। अगर वो ब्लॉग नहीं देखा है तो यहाँ या कहीं आ रहा होगा, देख लेना। ये अब हम आ गए 5वें पेट्रोल पंप पे, देखते हैं कि इस पे हमें तेल मिलता है या नहीं। आप लोग भी देख लो लाइव, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गोली दे रहा हूँ। ये सब सोते क्यों रहते हैं? वो इसलिए है ना क्योंकि यहाँ का सारा लोकल एरिया है तो लोग यहाँ पर रात को इतने आते नहीं। एट लास्ट जितने भी नेशनल पार्क्स की जो मेरी जर्नी है इस सीजन की वो शुरू हो गई है और मैं शुरू कर रहा हूँ इस बार सरिस्का से। तेल डलवाने के लिए रुका था, जैसा कि आप पीछे जान ही चुके हो कि बहुत सारे पेट्रोल पंप चेक कराए, कहीं कुछ नहीं मिला। तो अभी गाड़ी में तेल फुल करा लेते हैं और फिर चलते हैं सरिस्का और जाके देखते हैं कुछ दिखता है नहीं दिखता है। जिस बंदे से बात हुई थी ना वो बता रहा था साइटिंग हो रही है। हमने प्लान बनाया इसलिए है कि उधर पे जो ऑफिसर है उन्होंने हमें कहा कि साइटिंग हुई है तो हमने कहा चलो साइटिंग हुई है तो सैटरडे है तो हम आ जाते हैं। और हम आ गए टाइगर देख, टाइगर के साथ साथ आपको यहाँ के जो फेमस हनुमान जी है पांडुपुर हनुमान जी उनका भी आशीर्वाद दिलाएंगे आपको। ये A few moments later. At last, हम लोग पहुंच गए सरिस्का टाइगर रिजर्व। पहली जो सीजन की सफारी है वो यहाँ से आज सरिस्का से मैं शुरू कर रहा हूँ। तीन तीन चार चार टाइगर दिख गए, टाइगर ही टाइगर एवरीवेयर। यार क्यों प्रैंक मार रहे हो जनता के साथ? वो भालू दिख गया, भालू भालू भालू। A few moments later. सरिस्का टाइगर रिजर्व, जहां एक समय सारे बाघ विलुप्त हो गए थे, आज वहां बाघों की संख्या हो गई है 32। तो मैं आया हूं उस टाइगर रिजर्व को विजिट करने, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सरिस्का का ब्लॉग। सो गाइस, करेंटली वी आर गोइंग ऑन रूट नंबर 1, ST9 का जो एरिया है उसमें जा रहे हैं। तो ST9 और 21 है वो इस वाले पहाड़ के ऊपर चले गए क्योंकि उनकी मीटिंग चल रही है फ्रॉम पास 4 डेज, तो इस वजह से ST9 और 21 नहीं दिख रहे हैं किसी को, ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है। बट चांसेस आर कि अगर उनकी मीटिंग ख़त्म हो गई हो तो आज वो शायद नीचे उतरेंगे, तो उसी को हम लोग ट्रैक कर रहे हैं। और धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जंगल में बाकी की आवाज़ सुननी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो ये वो सारा, ये वो पहाड़ है। सो गाइस, करेंटली वी आर स्टैंडिंग एट कालाकुंड। यहाँ पे जो S21 है युवराज, वो कह रहे हैं यहाँ से उतर के आया होगा, तो अभी ट्रैकर से बात चल रही है तो अगर कुछ पता लगेगा तो बताते हैं। वेट कर रहे हैं यहाँ पे, कॉल वॉल कुछ भी नहीं है, एक सांबर की कॉल आई थी पीछे, उसके अलावा सब कुछ शांत है अभी। तो अब यहाँ से बैक ले रहे हैं और दूसरी लोकेशन पे चल के फिर देखते हैं।
सो गाइस सिचुएशन अब ये है दैट जो ST9 और 21 है वो इस पीछे पहाड़ पे है, ठीक है। उस तरफ हमने सर्च किया, वो नहीं उतरे, और इस तरफ वाले भी वाटर होल पे आए, यहाँ पे भी नहीं उतरे। तो अब जोन वन में ये दो फेमस टाइगर हैं रूट वन पे जो हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। तो अभी तो यहाँ पे सन्नाटा है। अब कॉल करके किसी ट्रैकर को नीरज भी अब पूछ रहे हैं कि कहाँ पे साइटिंग हो सकती है, ठीक है। इन मीनवाइल आप ये पॉन्ड है इसका लुत्फ उठाइए। सरिस्का में ये स्पॉट फेमस है लेपर्ड साइटिंग के लिए। लेपर्ड अक्सर इस पॉन्ड पे पानी पीने के लिए आता है, तो हम भी यहाँ लेपर्ड की साइटिंग के लिए वेट कर रहे हैं। सो गाइस एट लास्ट ST9 की मूवमेंट है यहाँ पे, हम उसी को ट्रैक कर रहे हैं। एंड चांसेस आर मोस्ट प्रोबेबली कि हमको देखने को मिलेगी। ये सामने से गाड़ी बहुत स्पीड में आ रही है कि निकल गई, घुमाओ तारुड़ी की तरफ गई है ST9, तो उसी तरफ गाड़ी घुमा रहे। किसी जिप्सी को दिखी है अभी? घुमाओ जल्दी घुमाओ। सो गाइस कैसा फील हो रहा है तुम्हें? बढ़िया फील हो रहा है। सो गाइस ST9 के पीछे पीछे जा रहे हैं। एंड मोस्ट प्रोबेबली चांसेस आर कि वो यहाँ से क्रॉस करके यहाँ इस एरिया में, तो वहीं पे अभी फटाफट भाग के जा रहे हैं बहुत जल्दी। एंड चांसेस है कि दिखेगी। जो है वो इस तरफ है, यहाँ पे गई है इस वाले रूट पे, तो अभी तिराए पे, तो अभी इस तरफ जा रहे हैं इस वाले एरिया में। टाइग्रेस माहौल पूरा सेट है, अपने को हेड ऑन मिले मजा आ जाए। भागा दौड़ी करके जैसे ही पहुंचे तिराए पे तो हमें दिखी द क्वीन ऑफ सरिस्का ST9, जो कि दोबारा से माउंटेन काला डूंगी की तरफ जा रही थी, जहां की ऊपर ST21 युवराज था। साइटिंग सिर्फ रोड क्रॉस करते हुए हुई, क्योंकि सरिस्का में बहुत ही डेंस झाड़ियां थी, तो बहुत ज़बरदस्त साइटिंग नहीं हुई। बट जो भी हार्डली एक मिनट की साइटिंग हुई वो हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ सरिस्का। सो गाइस यहां पे ST9 का वेट कर रहे थे बहुत देर से, देखो पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। एंड जो चीज़ दिखाना मैं चाहता हूँ वो ये ट्रैफिक जाम नहीं दिखाना चाहता हूँ, वो मैं ये आंटी दिखाना चाहता हूँ जो अपनी भैंसों को यहाँ चरा रही हैं। जहाँ पे एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि गाड़ी से नीचे उतरना ही अलाउड नहीं है, वहाँ दूसरी तरफ गांव वाले यहाँ पे अपनी भैंसें लेके कोर एरिया में आ रहे हैं, ठीक है। और टाइगर जस्ट यहीं पर ST9, तो यहाँ से भैंस जा रही है। यहाँ पर ये देखिए फीमेल पैदल ही है, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का ये क्या सिस्टम है समझ में नहीं आता है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग। और ये पूरा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, सब ST9 का ही वेट कर रहे थे, और वो आंटी देखो पैदल जा रही है। कितना सेफ है क्या नहीं है वो अब आप खुद सोचो। और यहाँ पूरा ट्रैफिक जाम लग चुका। आपको डर नहीं लगता? नहीं लगता? कितने साल से आ रहे हो? अच्छा बचपन से ही, मतलब छोटे से ही इधर आ रहे हो? कभी टाइगर देखा आमने सामने पैदल? बहुत बार आंटी लगी है। तो डरे नहीं? अच्छा टाइगर चले गया साइड होके, टाइगर ने रास्ता चेंज किया या आपने चेंज किया? अच्छा आपने दिया, तो आपकी भैंस वैंस को नहीं मारता है? मार भी दी है, मुआवजा मिल जाता फिर डिपार्टमेंट की तरफ से। अभी पर कह रहे हैं इसी एरिया में थोड़ा सेफ रहो। सो गाइस करंटली आई एम स्टैंडिंग एट कर्नाका वास। यहाँ पे एक चौकी है रेंजर की, इधर पे वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी है। और ये जो एरिया है ये सेम बिलोंग टू ST9 और 21 युवराज और उसका है। ST9 वही है जो पोनी टेल वाली टाइग्रेस के नाम से भी फेमस है, ठीक है। तो सारा घूम फिर के आ गए हैं, कैसे पहुँचे वो घास में घुस गई। तो सो ओवरऑल मेरे लिए तो सरिस्का अभी तक ठीक है, अभी टाइम बचा हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। वेटिंग कुछ अच्छा होता है तो आप लोगों को दिखाते हैं बताते हैं। देखो ये वो जगह है जो मैं बता रहा था, यहाँ पे आओ छत पे बैठो मस्त इन्जॉय करो। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में थोड़ी बहुत जान पहचान हो तो ये तो फ़ायदा होता है। ये मेन रोड है, मेन रोड से जस्ट यहीं पे है यशपाल शर्मा जी, तो आइए और यहाँ पे मस्त बैठो। टाइगर टेरिटरी है ST9 और ST21 की, तो मज़ेदार जंगल में आके अलग ही मज़ा आ जाता है।
तो चल रहा है सब काम, कॉल वॉल आ रही है पीछे से, तो अभी चलते हैं आगे, देखते हैं जैसे कुछ होता है बताएंगे। बेर भी लगे हुए देखो, ये विलेज था, रेवेन्यू विलेज। अच्छा, सो गाइस ये देखो कितनी पुरानी पेंटिंग्स हैं, 300-400 साल पुरानी, अब तो ये मेंटेन नहीं हुआ। अदरवाइज आप देख सकते हो कि वहाँ घोड़े बने हुए हैं एंड लोग बाग फाइट कर रहे हैं, ये यहाँ पे पूजा हो रही है, सारा कुछ बनाया हुआ है। ये देखो कैटल्स हैं, कितना बड़ा है। तो पहले यहाँ पे जब जो राजपूत लोग रहते थे तो ऐसी छतरी बनाते थे, तो ये सारा वही है सीन देखो। सो गाइस यहाँ पे हम ब्रेक के लिए खड़े थे, यहाँ से कॉल आ रही है और नीरज भी अभी वही बता रहे हैं, यहाँ से कॉल आ रही है मेन रोड से, तो अभी जाते हैं फटाफट भागते हैं। ये करना का बस लेक है और जितने भी आप ये पहाड़ देख रहे हैं, सब अरावली माउंटेन चेन है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। टोटल एरिया हमारे पार्क का हम बात करें तो 881 स्क्वायर किलोमीटर है, 881 वर्ग किलोमीटर। ये करना का बस लेक है और ये बारिश का पानी है अभी, तो इसमें सामने क्रोकोडाइल है उस आइलैंड के ऊपर, बहुत से बर्ड्स हैं, विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स भी आप देख सकते हैं। सामने पेड़ है रूडीशेल डक का, ये लद्दाख मंगोलिया उस एरिया से आती है, बर्फ साइड से। सामने आपको दिख रहे हैं वो वाइल्ड बोर हैं बहुत सारे, और इधर टाइगर पॉपुलेशन कितना है? नंबर ऑफ टाइगर यहाँ 32 टाइगर्स हैं और लेपर्ड, काफ़ी लेपर्ड हैं, 100 से ऊपर लेपर्ड हैं। और जब पहाड़ सबसे पुराने थे, यहाँ की फोना फ्लोरा, यहाँ की बायोडाइवर्सिटी वो भी ओल्डेस्ट है। 80 के लमसम यहाँ वाइल्ड मेडिसिन हैं, जैसे चित्रक है, भृंगराज है, हिम पुष्पी है, नीम गिलोय है। ये जो आप हरियरी ये देखते हैं ना नीचे वेजिटेशन, ये वो है आडा टोडा वैसी का, इससे कप सिरप बनती है, खांसी वाली। हाँ, और यहाँ का इस जो ये तालाब वाला एरिया है, इसका मतलब डोमिनेटिंग टाइगर कौन से हैं यहाँ के? ST15, ST7। अच्छा, ये है ST7 और 15। सबसे ज़्यादा साइटिंग जैसे सरिस्का में हर सीज़न को किस सीज़न में सबसे ज़्यादा होती है? यदि सिर्फ टाइगर साइटिंग की हम बात करें तो समर्स इज़ द बेस्ट टाइम फॉर द टाइगर साइटिंग। गर्मियों में टाइगर ज़्यादा दिखता है, उसका रीज़न क्या होता है, एक तो पानी जो है लिमिटेड जगह होता है और वाटर बॉडी पे टाइगर आता ही आता है, दूसरा फॉरेस्ट जो है वेजिटेशन पूरा ड्राई हो जाता है तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है उस वक्त। सो ये कारण। वेलकम। सो गाइस टाइम हो गया 10:20 और इसी के साथ ख़त्म होती है हमारी मॉर्निंग की सफारी। मॉर्निंग की सफारी में हमें दर्शन हुए सरिस्का की फेमस टाइग्रेस ST9 के, जो कि क्वीन ऑफ सरिस्का के नाम से भी जानी जाती है, पोनी टेल टाइग्रेस के नाम से भी जानी जाती है। आफ्टरनून की सफारी इस ब्लॉग के बाद आएगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना ऐसे और कंटेंट के लिए। ऑफिशियली मेरी फर्स्ट सफारी जो है वो सीन हुआ, तो आप लोगों ने वो क्लिप ज़रूर इन्जॉय करी होगी। इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ, पता नहीं कितने बड़े बड़े हो रहे होंगे। अब यहाँ से जा रहा हूँ पांडुपोल, तो नेक्स्ट ब्लॉग वो बनाता हूँ, वो दिखाऊँगा आपको, ठीक है? चलो पांडुपोल चलते हैं और बाय बाय करते हैं टिकट काउंटर सरिस्का को।